खोला गया फिल्म का राज, कैसे होगी फिल्म की शुरुआत, कैसी फिल्म पसंद करते हैं व्यूअर्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। कहते हैं हर इंसान अपने अंदर कई राज छुपाए रहता है और राज का तो हमारी फिल्मों में बहुत बड़ा रोल है। जब तक कहानी में कोई सस्पेंस नहीं होगा तो भला उसे देखने में कैसा मजा। पर 1971 की फिल्म आनंद के डायरेक्टर ऋषिकेश जी ने अपनी फिल्म का सस्पेंस पहले ही फैंस को बता दिया था। ऋषिकेश मुखर्जी बॉलीवुड में हमेशा ही मास्टरपीस फिल्में देने के लिए जाने गए। फिल्म आनंद की सबसे खास और राज की बात थी, एक कैंसर पेशेंट अपने बचे हुए दिनों को कितनी जिंदा दिली के साथ जीता है और फिल्म के लास्ट में उसकी मौत हो जाती है। जहां अक्सर डायरेक्टर सस्पेंस के लिए अपनी फिल्म का राज छुपाए रहते हैं, वहीं ऋषिकेश जी ने ठीक इसका ऑपोजिट किया। फिल्म आनंद की शुरुआत में ही हमें पता चल जाता है कि फिल्म का हीरो लास्ट में मरने वाला है। इसके पीछे ये कहानी है कि ऋषिकेश नहीं चाहते थे कि दर्शक पूरी फिल्म बस इसी कन्फ्यूजन में निकाल दे कि आनंद की मौत होगी या नहीं। वो चाहते थे कि लोग फिल्म के इमोशन और फिल्म में छिपी जिंदगी की खासियत को समझे, इसलिए फिल्म की शुरुआत में ही डॉक्टर भास्कर को आनंद के बारे में बताते देखा जाता है। समीर राज सिप्पी और विक्रम खाकर ने जब से फिल्म के रीमेक की खबर दी है, लोगों के मन में बस यही सवाल है कि क्या होगी फिल्म की कहानी, कैसे होगी फिल्म की शुरुआत, क्या इस बार भी बड़े राज से पर्दा शुरू में ही हटा दिया जाएगा। आजकल फिल्म मेकर्स के काम करने का तरीका काफी बदल चुका है। वो अपनी फिल्म के सस्पेंस को कभी भी पहले नहीं रिवील करते, जिससे फैंस में क्लाइमेक्स की एक्साइटमेंट बनी रहे। सोर्सेस की माने तो इस रीमेक फिल्म में भी एक ऐसा ही सस्पेंस छुपा होगा जो दर्शकों को फिल्म के लास्ट तक बांधे रहने का काम करेगा। फिल्म की शुरुआत पुराने आनंद की यादों के साथ होगी, वही कहानी अक्षय कुमार के प्रेजेंट से शुरू होगी जो जल्द ही व्यूअर्स को पास्ट की कहानी बताएगी, जिसके बाद इस फिल्म में ये भी देखने को मिलेगा कि कैसे 51 सालों में लोगों का जिंदगी देखने और जीने का नजरिया बदला है। हिंदी सिनेमा कई साल पुराना हो चुका है और इतने सालों में इंडियन हिंदी सिनेमा ने लोगों को हर तरीके की फिल्मों से एंटरटेन किया है, पर कहते हैं ना चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। जैसे जैसे लोगों की पसंद बदली, सिनेमा ने खुद को बदला। पहले लोग फैमिली बेस्ड मूवीज देखना पसंद करते थे, फिर आया एक्शन फिल्मों का दौर, फिर एक्शन के साथ कॉमेडी वाली फिल्मों ने भी जगह बनाई। बात करें अगर आज के व्यूअर्स की तो लोगों को हेल्दी एंटरटेनमेंट देखना ज्यादा पसंद है। फिल्मों में एक्शन सीन्स, उसमें यूज किया गया VFX, फिल्म का सस्पेंस, उसकी कहानी, सब पर लोग खास ध्यान देते हैं। आज के लोग काफी ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं, जो फिल्म को एंटरटेनमेंट के साथ कुछ अलग की खोज में भी देखते हैं। अक्षय कुमार को एंटरटेनमेंट के साथ ही एक मैसेज परोसने वाला एक्टर भी माना जाता है। जब भी उनकी फिल्म आती है तो फैंस को इस बात की तसल्ली रहती है कि फिल्म में अक्षय है तो जरूर ही उन्हें कुछ अलग देखने को मिलेगा। प्रेजेंट टाइम में सिनेमा का यूज सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही नहीं, बल्कि सिनेमा से एक मैसेज पहुंचाने का काम भी किया जाता है। क्या जनता की नजरों में खरे उतर पाएंगे अक्षय कुमार? क्या होगा फिल्म का सस्पेंस पॉइंट? फिल्म आनंद रीमेक से जुड़ी अपनी राय आप हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है जया श्री ने।